break it down. If it's a problem, I'll go to the bar and I shut it down. Get on my section, don't bother with lames. Hello everyone, welcome back to Beauty and Style with Mericha. दोस्तों आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ इजी स्मोकी आई मेकअप लुक फॉर बिगिनर्स एंड फॉर ड्राई स्किन। एंड इस मेकअप को हम अचीव करेंगे ओनली 5 मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ करके। बहुत ही इजी सा है, बिगिनर्स फ्रेंडली है, तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेकअप लुक करके आप किसी भी छोटे मोटे फंक्शन को एंजॉय कर सकते हो। एंड जो ये मेकअप लुक आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, इसे आप किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। तो चूंकि हम आज करने जा रहे हैं मेकअप फॉर ड्राई स्किन, तो सबसे पहले कर लेते हैं स्किन केयर। तो सबसे पहले हमें फेस वॉश करना है, उसके बाद हमें अपने फेस पर टोनर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर अप्लाई कर रही हूँ, जो हमारे फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो क्रिएट करेगा। एड टोनर हमारे फेस के पोर्स को भी मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पर फेस सीरम। यहाँ पर मैंने गार्नियर का विटामिन सी फेस सीरम अप्लाई किया है। ये हमारे स्किन को हेल्दी बनाने में एंड पिगमेंटेशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने लिया है ममा अर्थ की ये कोको विंटर क्रीम, और बहुत ही अच्छी ये कोल्ड क्रीम है। इसको आप समर्स एंड विंटर्स कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्किन को बहुत सॉफ्ट कर देती है, मॉइस्चराइज़ कर देती है। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है हिमालय का ये लिप बटर। इसको अप्लाई करने के बाद अब चलते हैं अपने मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर मैं आज पॉन्ड्स की ये बेबी क्रीम यूज़ करने वाली हूँ, जिसका शेड मैंने लिया है आइवरी। इसमें दो शेड्स आते हैं, नेचुरल एंड आइवरी। तो मैंने आइवरी शेड लिया है। अगर आपकी स्किन टोन थोड़ी सी डार्क है तो आप नेचुरल शेड भी यूज़ कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में आती है, ओनली 67 रुपीज़ में आपको 9 ग्राम का ये पैक मिल जाएगा। छोटी सी ट्यूब मिलेगी बट कई बार चल जाती है आसानी से। तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया इस तरीके से और अपने फेस पर डॉट्स में अप्लाई करूँगी, अपने नेक पर भी अप्लाई करूँगी। तो बहुत ही लाइट सा ये मेकअप होने वाला है। अगर आप बहुत हैवी मेकअप करना पसंद नहीं करते हो, हल्का फुल्का मेकअप करना पसंद करते हो, तो आप पॉन्ड्स की ये बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हो। एंड ये ड्राई स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो आज मैं किसी भी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं इसको अपने हैंड से ही ब्लेंड करूँगी। तो इसको ब्लेंड करने के लिए अपने हाथों को अपने फेस पर पुश करते हुए डैबिंग मोशन में इसको अप्लाई करेंगे और ये आराम से ब्लेंड हो जाती है। बट थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको इसको पेशेंटली करना होगा। तो पूरे फेस पर एंड नेक पर आपको इसे इस तरीके से डैबिंग मोशन में अप्लाई करना है और हाथों को इधर से उधर खिसकाते जाना है, जिससे कि ये पूरे फेस एंड नेक पर एंड ईयर्स पर भी अच्छे से अप्लाई हो जाए एंड ब्लेंड हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पूरा टाइम लीजिए और आराम से इसको कीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी और आपके जो है फेस पर अच्छा सा कवरेज भी देगी बिना फाउंडेशन के। तो पहला काम हमने इससे किया, फाउंडेशन की तरह इसको यूज़ किया है। अब सेकंड जो काम है, इसको हम एज अ कंसीलर भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं मेकअप करने के लिए, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे मेकअप के लिए। तो इसको मैंने अपने अंडर आइज़ पर, आईलिड्स पर, माउथ के राउंड अप्लाई कर लिया है और इसको सेम वैसे ही जैसे हमने पहले पूरे फेस पर अप्लाई किया था डैबिंग मोशन में, उसी तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है डैबिंग मोशन में। बट इसके लिए हम सिर्फ एक फिंगर का यूज़ करेंगे, तो इससे ये आसानी से ब्लेंड हो जाती है, क्योंकि आइज़ के अराउंड जो होता है एरिया, थोड़े कम एरिया में हमें इसको अप्लाई करना होता है। तो आप एक फिंगर की हेल्प से इसको अच्छे से डैबिंग मोशन में अप्लाई कर लीजिए और ये आपको कंसीलर जैसा काम करके देगी। तो बस इसको करने के बाद हमें अपने फेस को सेट करना है। उसके लिए मैंने ले लिया है ये जो है मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको एक ब्रश पर लेकर मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसके जो साथ में एप्लीकेटर मिलता है उससे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ड्राई स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पाउडर लगाना ज़रूरी नहीं होता है। उनकी स्किन को मॉइस्चराइज रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत हल्के से अमाउंट में मैंने ब्रश पर लेकर अपने बेस को सेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर स्विस ब्यूटी का ये आई शेडो पैलेट लिया है और ये 01 नंबर शेड में है। इसका जो है यूज़ करके हम आज पूरा मेकअप करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ये दो शेड्स देख रहे हो, इसको दोनों को मिक्स करके मैं अपनी आईब्रोज फिल करने जा रही हूँ। तो एक पतले से ब्रश पर इसको लेकर हाथों के बैक साइड पर हल्का सा इसको निकाल दें, जिससे कि जो भी एक्सेस आ गया हो इसमें वो रिमूव हो जाए, और फिर हल्का जो बचा हुआ प्रोडक्ट है उससे हम अपनी आईब्रोज फिल करेंगे। तो बहुत आसानी से हो जाता है और दो कलर मिक्स करने से आपको बिल्कुल नेचुरल शेड आएगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों आईब्रोज फिल कर ली हैं। इसके बाद सेम पैलेट से ये जो कॉर्नर वाला शेड आप देख रहे हो, ये हल्का ब्राउनिश टोन में आता है और नेचुरल सा शेड है, इसको लेकर हम अपनी पूरी आईलिड्स पर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे।
अभी आप देखोगे कि ये जो मेकअप लुक मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, स्मोकी आई मेकअप लुक है फॉर बिगिनर्स, तो कितनी आसानी से ये हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको मेकअप नहीं भी आता होगा ना, तो आप गारंटी से लिख कर ले लो कि आप ये आसानी से कर पाओगे। तो इसको एक फ्लैट ब्रश पर लेकर मैंने अपने पूरी आईलिट्स पर अप्लाई कर लिया है अच्छे तरीके से, और इसके बाद एक राउंड जो ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो लेकर इसको अपनी जो हमारी जो है सॉकेट होता है आईज़ का, जहाँ पर एक जो है लाइन सी क्रिएट हो जाती है खोलने पर, उस जगह पर हम इसको एक जो है ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, ताकि वहाँ पर आपको कोई लाइन से ना दिखाई दे। बस हमें इतना ही करना है अपनी आईज़ पर, और दोनों आईज़ मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर बार का ये काजल, तो काजल को हमें इस तरीके से अप्लाई करना है कि जैसे हम लाइनर अप्लाई करते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको लाइनर की तरह अप्लाई करना है। बट आपको बिल्कुल प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिल्कुल एक शेप में एक लाइन में देना है इसको। आप एक हल्की सी लाइन जैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो अपनी आईलैशेस के पास, एक मोटी सी लाइन क्रिएट कर लीजिए, और उसके बाद एक इस तरीके का फ्लैट ब्रश लेकर और इस पर हमको स्मच करना है इसे, क्योंकि हम स्मोकी आई लुक देना चाहते हैं। तो प्रॉपर स्मोकी आई तो कोई भी बिगनर्स नहीं कर पाएगा, तो हम इस तरीके का एक इजी स्मोकी आई लुक दे रहे हैं, जिससे कि उनको ये लुक भी आ जाएगा और उनके लिए करना इजी भी होगा। तो बस इसको हल्के हाथों से स्मच करें, ऐसा ना हो कि आप इतना ज़्यादा स्मच कर दें कि जो हमने काजल लगाया है वो रिमूव हो जाए। तो हल्के हाथों से स्मच करना है, उसी तरीके से हमें दूसरी आईज़ को भी कंप्लीट कर लेना है। तो बस आपको एक वहाँ पर काजल का लुक भी आएगा, लाइनर का लुक भी आएगा, और आपकी आईज स्मोकी से दिखाई देंगी। तो ये बस इतना ही काम है। इसके बाद हमें अपने आईज के नीचे के साइड में ये जो मैंने बीच में शेड था, इसको लेकर सेम ब्रश की हेल्प से, जो फ्लैट ब्रश हमने लिया था, एक जो है जो आईलैशेस के नीचे नीचे पर हल्का हल्का सा अप्लाई कर लेना है, जिससे कि ये काजल का लुक देगा। बट हम यहाँ पर काजल यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसी एक जो आई शेडो पैलेट का यूज़ करके, जैसे मैंने बोला, हम पूरा मेकअप कर लेंगे। अब सेम आई शेडो पैलेट में से मैं ये जो पिंक वाला शेड है इसको ले रही हूँ, एक जो है बड़े ब्रश पर, जो ब्लेंड जो कि जो है ब्लश ब्रश होता है उस पर लेकर मैं इसको निकाल रही हूँ। हल्का सा इसको टैप कर लें, जिससे कि जो भी एक्सेस हो वो रिमूव हो जाए। अब हमें इसको अपने चीक्स पर अप्लाई करना है, बट तुरंत ब्लेंड मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो दोनों जो है चीक्स पर इसको पहले डिपॉजिट कर दीजिए इस कलर को, उसके बाद से इसको हम ब्लेंड करेंगे। तो अगर आप ज़्यादा सा अमाउंट लेकर एक बार में ही अपने गालों पर लगाकर और तुरंत ब्लेंड करने लगोगे, तो सारा का सारा जो भी कलर इसमें आया होगा ब्रश में, वो आपके फेस पर डिपॉजिट कर देगा, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ आप पहले हल्का हल्का डिपॉजिट कर दीजिए कलर्स, उसके बाद आप इसको जो है ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। तो जब जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करोगे, ये उतना ही अच्छे से जो है आपकी स्किन पर मिक्स हो जाएगा, और बिल्कुल भी अलग से लगा वो पता नहीं चलेगा। फिर भी आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा लग गया है, तो आप थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, एंड ये बिल्कुल नेचुरल सा हो जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। लास्ट में हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, जो हमारा पांचवा प्रोडक्ट है। तो लिपस्टिक यहाँ पर मैंने ली है इनसाइड की, इसका शेड नंबर है 05 कोकोआ प्लम, और ये बहुत ही प्यारा सा शेड है। आप अगर आप ये वाला शेड ले लेते हो, तो आप इसको हर एक ड्रेस पर, हर एक आउटफिट पर चला सकते हो, ये हर एक कलर के साथ आराम से मैच कर जाता है। तो बस हो गया है मेरा मेकअप कम्प्लीट, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.